नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और वैदू का आप पीछे से रोना देख सकते हैं, वैदू उठ चुका है और आज झूले में बिल्कुल भी नहीं सो रहा है, पता नहीं क्यों। 10 मिनट सो रहा है और 10 मिनट बाद उठ जा रहा है। मुझे लगता है उसे मुझे आप पेट में सुना कर, कल भी वो बिल्कुल नहीं सोया झूले पर और आज भी नहीं। वैदू भी उठ गया है, मेरा झाड़ू पोछा लग गया, लेकिन वैदू का भी बेड गंदा हो रहा है। तो पोछा और झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, लेकिन इसका बेड क्लीन करना है अभी मुझे। और वैदू फिर से उठ गया है, सो भी नहीं रहा। वैदू उठ, सो जाओ बेटू। आज उसको झूले में नींद नहीं आ रही बिल्कुल नहीं, तो मुझे उसे आज बेड में ही सुलाना पड़ेगा। खराब हो गया वो, खराब नहीं, मैं सिटी नहीं आ रही उसमें। आप कैसे निकालोगे सिट्टी उसमें से? मैंने 5 लीटर वाले कुकर में दाल तो चढ़ा दी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे किचन का हाल कितना गंदा हो रहा है। वैदू की वजह से मैंने कुछ बर्तन भी नहीं धोए आज, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मॉर्निंग में हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद देख सकते हैं आप सारे बर्तन फैले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वैदू को सुला के आ गई हूँ, अगर वो उठ गया तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा। तो आप तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा किचन गंदा हो रहा है। मॉर्निंग से कभी एक चाय के गिलास, कभी पानी के गिलास, आटे के बर्तन, मतलब वो सुबह से ना वैदू सोया नहीं है, तो मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो रखा है। सिर्फ अभी तक मैंने झाड़ू पोछा ही लगा रखा है और बर्तन बिल्कुल नहीं धोए हैं। और मैं पहले सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ आराम से, फिर जब तक तो मेरी किचन अगर साफ हो गया ना, तो मेरा सारा आधा काम तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरी किचन क्लीन कर दी है, ये देख सकते हैं आप। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि किचन साफ़ सुथरा तो बहुत अच्छा लगता है। और बर्तन भी मैंने रख दिए हैं सारे। तो दोस्तों अभी हस्बैंड लेके आ गए हैं सब्जी, और ये तो खाली बॉक्स है, इसके अंदर मैंने अपने लिए जीरा अजवाइन थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो पैकेट्स खुले होते हैं वो इसके अंदर रख दीजिए, ताकि इसमें कॉकरोच ना जाएँ। फ्रूट्स भी लाए हैं आज, ये सेब, अनार, संतरा और साथ में पपीता। पपीता छिला हुआ पपीता लेके आए हैं, पूरा कट करके लेके आए हैं, उसके बाहर का जितना भी पार्ट है वो सब कट करके लेके आए हैं। और ये है लौकी, तो इसके अंदर है सब्जी। मैं आपको अभी एक एक करके दिखाती हूँ। टमाटर, तो दोस्तों आज मेरा फिर से फ्रिज भर चुका है, और इस जग में मैं घी है, घी का डिब्बा देखो कैसा हो चुका है। यह है टमाटर्स, यह है टमाटर्स, फ्रूट्स, और ये मैंने डब्बे में मलाई रखी हुई है, ये अनार यहाँ रखे हैं। अभी मुझे दूध भी गर्म करना है, मैंने दूध गर्म नहीं किया, मुझे दूध गर्म करने का टाइम नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी मैंने ये, मैंने आज शाम को मैं ककड़ी का रायता बनाऊंगी, और मुझे लगता है शायद वैदू फिर से उठ चुका है। ये स्वीट्स जब से हम घर से आए हैं तब से स्वीट्स पड़ी हुई है, सिर्फ 2 ही स्वीट्स पड़ी है। और इसके अंदर है संतरे, आप देख सकते हैं, ये भी मुझे कट करके इनका जूस बनाना है। तो दोस्तों आज हमने बनाया है नींबू पानी, और मैं अभी नींबू पानी पी रही हूँ। बहुत गर्मी हो रही है तो मैंने सोचा कि आज नींबू पानी ही बना लेते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं दोनों नींबू पानी। पूरा ओढ़ लो उसको, पूरा ओढ़ लो, नहीं नहीं पूरा ओढ़ लो, अच्छे से ओढ़ो बेटा, अच्छे से ओढ़ो, नहीं ठंडू। तो दोस्तों आज मैंने डिनर पे बनाए हैं रोटी और भिंडी आलू की सब्जी, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही मुझे भिंडी आलू की सब्जी खाने का मन था। तो आज मैंने डिनर पे भिंडी आलू की सब्जी बनाई है स्पेशली, और वैदू भी उठ चुका है, और अभी आप टाइम देख सकते हैं वो उठा हुआ है 2:22 में, पता नहीं कब तक सोता है जाने, अभी तो उठने की तैयारी हो रही है उसकी भी।